नमस्कार दर्शकों, दर्शकों सिलसिला चल रहा है नक्षत्र ज्ञान का और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो कि 21वां नक्षत्र है। इससे पहले हम आपसे 20 नक्षत्रों की चर्चा कर चुके हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म किसी ना किसी एक नक्षत्र में अवश्य होता है और उस नक्षत्र का व्यक्ति के जीवन पर पूरे जीवन पर प्रभाव रहता है। जिस नक्षत्र का जैसा स्वभाव होता है व्यक्ति का, वैसा ही स्वभाव गुण और भाग्य होता है। आज हम 21वें नक्षत्र की चर्चा करने वाले हैं। ये नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। इस नक्षत्र का स्वामी सूर्य है। राशि धनु और मकर राशि के स्वामी इस नक्षत्र के व्यक्ति होते हैं। पहले चरण में जो व्यक्ति इस नक्षत्र के उत्पन्न होते हैं उनकी धनु राशि होती है और तीन अन्य चरण जो बाद के चरण है उनमें जो उत्पन्न होता है उनकी मकर राशि बनती है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र का मतलब है बाद की जीत और इस नक्षत्र को प्रतीक रूप में हाथी के दांत का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र का जो नाम अक्षर होता है वो नक्षत्र का ब और ग यानी के बी एंड जी दो अक्षर के व्यक्ति इस जन्मते हैं इस नक्षत्र में। इस नक्षत्र का वृक्ष वनस्पति वृक्ष कटहल होता है। रंग इसका शुभ माना जाता है कॉपर यानी के तांबे का रंग और देवता इसके सार्वभौमिक देवता विश्वदेव को माना जाता है। इस नक्षत्र की जाति वैश्य गण मनुष्य तत्व वायु गुण सात्विक पक्षी सारस योनि नर और भाग्यशाली संख्या एक होती है और लकी स्टोन रूबी यानी कि मानक को माना जाता है। इस नक्षत्र के तहत धनु और मकर राशि आती है। रंग सुंदर अच्छे व्यक्तित्व वाले लंबे कद के औसतन शरीर गठन और सिर बड़ा लंबी अंगुलियां बड़ी आंखें चमकीला चेहरा इनकी छवि है। कई दफा स्थूल व लंबे शरीर वाले भी होते हैं। ये जीवन में सुखी विजेता शूरवीर और नम्र एवं बहुत ही मित्र बनाने वाले नक्षत्र के व्यक्ति होते हैं। अच्छी सोसाइटी उत्तम आहार और अच्छे स्वभाव के होते हैं। बढ़िया व्यक्तित्व के कारण ये सोसाइटी में दूर से ही पहचाने जाते हैं। ये ऊंचे विचारों वाले दयावान एवं जनहितेशी होते हैं। ये मजाकिय स्वभाव के भी देखे जाते हैं। ये सब कामों को सलीके से करते हैं, ढंग से करते हैं। मैनेजमेंट करना इनकी फितरत में है। दूरदृष्टि रखते हैं और ये कुशल नीतिवान भी होते हैं। समझदार दूरदर्शी एवं सुजवान सुभावना वाले होते हैं। अच्छी भावना के साथ काम करते हैं। ये कम खर्चीले होते हैं और किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते हैं। इस नक्षत्र के व्यक्ति काफ़ी देखे गए हैं कि तर्क बहुत करते हैं और अपनी कसौटी पर भी खरे उतरते हैं। प्रसन्नचित्त होते हैं। दूसरों की इज्जत करना इन्हें आता है परंतु अपनी बात पर भी अड़िग रहते हैं। यद्यपि इनकी विद्या के योग अच्छे होते हैं परंतु विद्यार्जन के संबंध में इन्हें चौकसी रखनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर
इन्हें किसी की सलाह भी जरूर लेनी चाहिए। परिश्रम से ही शिखर पर पहुंच सकते हैं। स्त्री जातक भी अच्छी पढ़ी लिखी और नौकरी पसंद होती हैं। इनका गृहस्थ जीवन ठीक होता है, ठीक ठाक ही होता है। कई बार गृहस्थ जीवन में परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। शादी के पहले 5 साल तक इनको गृहस्थ जीवन को एडजस्ट करने में समय लगता है, क्योंकि ये अपनी बात पर अड़िग रहते हैं और अपनी बात मनवाना चाहते हैं, इसलिए कई बार अशांति का सामना भी करना पड़ता है। इनकी पत्नी का स्वभाव भी थोड़ा क्षीण रहता है और बच्चों की तरफ से भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है, परंतु ये लोग समाज में अपनी छवि अच्छी रखते हैं, राजनीति में, राजनीतिक करियर में काफ़ी दूर तक जाते हैं। ये लोग लंबी दूरी की यात्राएं करना पसंद करते हैं। धार्मिक स्थानों पर यात्रा करना और वहां पर रहना इन्हें बहुत पसंद आता है। ये लोग मौसम के मिजाज की तरह बदलते नहीं रहते हैं। अच्छे मौसम में इनको जो भी कार्य मिलता है ये कर लेते हैं, परंतु गर्मी का स्वभाव इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अंदर से ये प्रेम संबंधों में भी काफ़ी विचलित रहते हैं। होते रोमांटिक स्वभाव के हैं, परंतु मन बड़ी जल्दी रोमांस में बदलता रहता है। कुछ नया पाने की चाह में पुराना भी खो देते हैं। ये लोग स्वभाव के साथ बिजनेस भी अच्छा करते हैं। गवर्नमेंट जॉब में बैंक विभाग, जज, इसके अलावा जेल विभाग, प्रबंधन के अच्छे ऑफिसर होते हैं। धार्मिक नेता विदेश में बिजनेस, व्यापार, दवाओं का व्यापारी बहुत अच्छे होते हैं ये। इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग, वैज्ञानिक, रिसर्च, होम्योपैथिक डॉक्टर, इंजीनियर, धन संबंधी कारोबार, बिचौलिए का काम जो कि मीडिएटर का कार्य होता है, धन को इन्वेस्ट करना इन्हें बहुत अच्छा आता है। इनके स्वास्थ्य की हम चर्चा करें तो रीढ़ की हड्डी में दर्द, फेफड़ों के विकार, नेत्र रोग, खारिश, चमड़ी के रोग, हाजमे संबंधित परेशानी, पेट गैस, वात आदि के रोग और दिल की धड़कन बढ़ना इनकी मुख्य परेशानियां होती हैं। सूर्य नक्षत्र होने के कारण, स्वामी होने के कारण सूर्य की पूजा करना इन्हें बहुत अच्छा है। आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करें, इसके साथ साथ हर रोज सूर्य को जल देना बहुत ही शुभ है। यदि पुखराज और माणिक एक साथ मिला करके अंगूठी में या गले में धारण करें तो बहुत काम का सिद्ध होता है इनके लिए। इसके अलावा शनि के उपाय, शनि की आराधना, शनि का जो भी मंत्र जाप, बीज मंत्र का जाप करना इनके लिए लाभदायक होता है। वाहन खरीदते समय, वाहन चलाते समय हमेशा ही इनको सतर्कता रखनी चाहिए और अधिक मात्रा में कर्ज नहीं लेना चाहिए। इनको मानसिक अशांति और बिजनेस में लॉस हो सकता है, इसलिए बहुत अधिक कर्ज इन्हें नहीं लेना चाहिए। जितनी पूंजी इनके पास है उसी में इन्हें काम करना चाहिए तो ज़्यादा सार्थक रहते हैं। माता पिता के प्रति पूरे सजग रहते हैं, परंतु कई बार गुस्से में आकर ये घर तक छोड़ने का निर्णय ले लेते हैं, जो कि बाद में इन्हें पछताना पड़ता है। अपने परिवार कुटुंब में रहना इन्हें कई बार खलता है और ये विदेश जाकर के सेटल होना चाहते हैं, परंतु माता पिता, बड़े बुजुर्गों का यदि ये सम्मान करें, उनकी बात को माने तो जीवन सहज निकलता है। इसके साथ साथ बहनों और भुआ, इनको समय समय पर उपहार देना, इनका आशीर्वाद लेना, इनके साथ राय करके काम करना बहुत लाभदायक है। पत्नी के साथ इनको पूर्ण विचार करके काम करना चाहिए, क्योंकि पत्नी इनकी भाग्य की कारक है। तो मित्रों, ऐसे होते हैं उत्तराषाढ़ नक्षत्र के व्यक्ति, उनका जीवन, उनके उपाय।
यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं, किसी और विषय पर जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में जरूर लिखा करें। हम आपकी हर समस्या का समाधान YouTube पर बताते हैं उपायों के जरिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आज हमने चर्चा की उत्तराषाढ़ नक्षत्र की, कल हम चर्चा करेंगे 22वें नक्षत्र श्रवण नक्षत्र की। तब तक के लिए जय माता। नमस्कार दर्शकों, सिलसिला चल